हेलो फ्रेंड्स आज सुबह जब मम्मी का कॉल आया तो मम्मी ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो दिवाली पे क्या बना रहे हो मैंने कहा मम्मी कुछ भी नहीं बना रही हूँ यार मैदे की चीज़ें फ्राइड चीज़ें खा करके वैसे भी सेहत ख़राब हो जाती है पर मम्मी ने कहा दिवाली है साल में एक बार आती है कुछ तो बनाना चाहिए आपको चलो मैं तुम्हें एक रेसिपी बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और थोड़ी सी हेल्दी भी है फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा कुछ मैंने बोला अच्छा चलिए बताइए मम्मी ने बोला घर की ही चीज़ें हमें लेनी है एक कप गेहूँ का आटा लेना है उसमें डालना है सूजी बारिक वाली सूजी कर देनी है, तो है तो छह से, से सात घी मैंने बोला मम्मी इतना ज्यादा घी ये तो अनहेल्दी हो गया मम्मी ने कहा नहीं बेटा घी डालना तो अच्छा होता है घी से तो वैसे भी हमारी हड्डियां मजबूत होती है घी बॉडी के लिए अच्छा होता है मैं बोला चलिए ठीक है मैंने इसमें घी डाल दिया छे से सात चम्मच और उसके बाद इसे अच्छे से मसलने के लिए कहा मम्मी ने बहुत देर तक मसला मैंने इसे मसलते मसलते हाथ दुखने लग गया उसके बाद टेक्सचर देखिए कुछ ऐसा हो गया उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं तो मैंने वन फोर्थ कप डाला है थोड़ा सा सौंफ डाल दिया है एक चम्मच तिल डाल दिया है दो से तीन चम्मच थोड़ा सा नमक डाल दिया है और पानी डाल के इसे गूथ लेना है मम्मी ने कहा इसे तुम दूध में भी गूथ सकती हो पानी में भी गूथ सकती हो लेकिन दूध में गूथा हुआ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा खराब हो जाएगा मैंने बोला मुझे तो धीरे धीरे बहुत दिन तक खाना है तो मैं इसे पानी में गूथ लेती हूँ दस मिनट का इसे रेस्ट बताया था उस हिसाब से तो हमें यहां पे बेलन की भी जरूरत नहीं है बस इस तरीके से रोल किया एक लंबा सा बना दिया और छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया मम्मी ने कहा था कि आप इसे किसी भी शेप में क्रिएटिविटी के साथ बना सकती हो लेकिन मैं ठहरी आलसी मैंने इसे बस इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रख के दबा के एक पेड़ा शेप दे दिया फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा अगर मेहमानों के सामने सर्व करना है और बिल्कुल ही सादा सा दिख रहा है तो मैंने उठाया कांटा मतलब फोक इस तरीके से शेप दे दिया तो ये देखिए फटाफट से इसमें थोड़ा सा मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी है इसी तरीके से सारे ही मैंने तैयार कर लिए अब मैंने जैसे कि मम्मी से डिमांड की थी कि मुझे इसे डीप फ्राई नहीं करना है मैं थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती हूँ तो मम्मी ने बोला ठीक है एक पुराना तवा रखना उसके ऊपर एक जिसमें बनाना चाहते हो वो तवा रखना और उसके बाद फिर थोड़ा सा ही ऑयल डाल के इसे रख देना बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक करके पाँच मिनट के लिए पका लेना अगर मोटे तले वाला आपका पैन हो तो सिर्फ डायरेक्ट पैन भी गैस पे रख सकते हैं मैंने बोला ठीक है तो उसके बाद मैंने पाँच मिनट के बाद ढक्कन हटाया और इसे पलट दिया बिल्कुल बढ़िया कलर आ गया उसके बाद मैंने सोचा दूसरा तरीका भी ट्राई कर लेती हूँ तो मैंने पुराना तवा रख दिया उसके ऊपर मेरा तवा रख दिया और उसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे ढक दिया पांच मिनट के लिए और पका लिया मैंने सोचा क्या ही बना होगा एकदम नरम सा होगा ढीला ढीला पूड़ी जैसा होगा तो मैंने सोचा चलो एक बार चेक कर लेती हूँ खा के देखती हूँ फिर बताती हूँ मम्मी की रेसिपी कैसी है सारे ही मैंने पलट लिए देख लिए सारे सुनहरे कलर में आए हैं या फिर नहीं आए हैं उसके बाद यहाँ पे सारे ही सुनहरे कलर में आ गए थे तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया थोड़ा सा ठंडा हो जाने दिया क्योंकि मम्मी ने कहा था तुरंत नहीं खाना है थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना फिर क्रिस्पी होंगे मैंने बोला ठीक है और उसके बाद क्या रिजल्ट आया था मतलब इसे खाते ही मेरे मुंह में ये एकदम पिघल सा गया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था बिस्किट का टेस्ट भी था नमक पारे का शक्कर पारे का हर चीज़ का एक कुकीज़ जैसे लग रहा था अब मैं हमेशा इसे घर में बनाऊंगी और ये रेसिपी खाने के बाद मेरा दिमाग ऐसा चकराया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि थम कैसे बनाऊँ या फिर अच्छा दिखाने वाला हाथ कैसे बनाऊँ तो ये बिल्कुल बन करके तैयार है और बहुत टेस्टी बने थे आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय